मेरे पास 2 बॉटल है, एक बॉटल पूरा खाली है, ये मैंने पूरा एक बॉटल यूज कर चुकी हूँ और अब मैं ये सेकंड बॉटल यूज कर रही हूँ। एक्चुअली अभी मेरे सर पे डैंड्रफ नहीं है, पर फिर भी मुझे ये शैम्पू काफी पसंद आ गया। पहले ही बॉटल से मेरा डैंड्रफ जो है ऑलमोस्ट चला गया। हाय दोस्तों, ओरिफ्लेम डैंड्रफ शैम्पू को यूज करने का सही तरीका आप जान गए तो डैंड्रफ 100% खत्म हो जाएगा, और वो सही तरीका आज मैं आपको अपने वीडियो में बताने वाली हूँ, तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखें। ओरिफ्लेम का ये शैम्पू है हेयर एक्स एडवांस केयर डैंड्रफ सॉल्यूशन कंट्रोल शैम्पू, फ्लेकी हेयर एंड स्कैल्प के लिए है। ये 250 ml का बॉटल आता है। इसका कॉस्ट जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे 429 rupees लिखा हुआ है, लेकिन आप इसे ऑफर के टाइम लेंगे तो आपको ये 300 के अराउंड पड़ जाएगा। ये जो प्रोडक्ट है वो मेड इन पोलैंड है। ये एक फ्लिप फ्लॉप कैप में आता है, आप देख सकते हैं। अब मैं आपको दिखा दूं कि शैम्पू की कंसिस्टेंसी कैसी है। ये आप देख सकते हैं क्रीमी टाइप का है, व्हाइट कलर है, थोड़ा सा रनी है, बहुत ज्यादा थिक नहीं है, और आपको अप्लाई करने में काफी आसानी होगा और अच्छा खासा लाथर भी बनेगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो इस रेड बटन पर दबा के हमें सब्सक्राइब कर दे, और जो बगल में नोटिफिकेशन बेल है उसे भी क्लिक कर ले। इसके इंग्रेडिएंट्स में मुझे कहीं पर भी पैराबिन नहीं दिखा, इट मीन्स इट इज पैराबिन फ्री, जो कि काफी अच्छी बात है। जब मैंने इस शैम्पू को स्टार्टिंग में यूज करना शुरू किया था तब मुझे कुछ खास रिजल्ट्स दिख नहीं रहे थे, पर मैंने एक ट्रिक अपनाया, एक सही तरीका अपनाया, उसके बाद मुझे 100% रिजल्ट मिला है, और वो तरीका आप जल्दी से जान लीजिए। सबसे पहले अगर आपके बाल में बहुत ज्यादा डैंड्रफ है तो हेयर ऑयलिंग ना करें, बाल में तेल ना लगाए, कम से कम 2 वीक तक तो बाल में तेल बिल्कुल ना लगाए, और हर 2 दिन के बाद शैम्पू करें। फॉर एग्जांपल अगर आपने संडे को शैम्पू किया है तो नेक्स्ट अब आप वेंसडे को धोइएगा बाल, और अगर आपने वेंसडे को धोया है तो फिर 2 दिन के बाद मतलब नेक्स्ट सैटरडे को आप धोइएगा बाल। तो इस तरह से करते रहे शैम्पू और एक भी दिन मिस ना करें। शैम्पू करने के पहले बालों को अच्छे से कॉम्ब कर ले, अच्छे से कंघी कर ले, स्कैल्प पे थोड़ा सा प्रेशर देकर 4 से 5 मिनट तक कॉम्ब करे। बालों को गुनगुना पानी से गीला करे, ज्यादा गर्म या ज्यादा ठंडा पानी ना ले, अपने बाल के अकॉर्डिंग शैम्पू ले ले, और बालों पे अच्छे से शैम्पू को स्प्रेड करके अपने स्कैल्प को मसाज दे, स्लोली स्लोली मसाज दे, और अपने बालों में 1 से 2 मिनट के लिए शैम्पू को लगा रहने दे। 1 से 2 मिनट होने के बाद अपने बालों को ठंडे पानी से धोए, क्योंकि ठंडे पानी से बाल काफी शाइनी बनते हैं और फ्रिजीनेस भी नहीं होती है। शैम्पू के बाद जरूर से कोई अच्छा सा हेयर कंडीशनर अपने बालों के लेंथ पे लगा ले, क्योंकि नहीं तो फिर आपके बाल काफी ड्राई दिखेंगे, इसलिए आपको कंडीशनर लगाना है। फिर अपने बालों को नेचुरली ड्राई होने दे, हेयर ड्रायर या हेयर स्ट्रेटनर का 1 से 2 वीक ना ही इस्तेमाल करें जब तक आपके डैंड्रफ कम नहीं हो जाते हैं। 2 वीक अगर आप इस तरह से अपने बालों को धोएंगे तो आपका डैंड्रफ काफी कम हो जाएगा। फिर आप 3rd वीक से बालों को शैम्पू करने के 1-2 घंटा पहले से हल्का सा हेयर ऑयलिंग कर सकते हैं। विंटर्स में सरसों का तेल से ऑयलिंग करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा, और 4th वीक के एंड तक आपका डैंड्रफ 100% खत्म हो चुका होगा।